हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी ब्लाउज का बहुत ही खूबसूरत बैक नेक डिजाइन बनाना। तो इसके लिए अस्तर और मेन कपड़े पर मैंने कटिंग और मार्किंग कर ली है, तो मेजरमेंट देख लीजिए। तो डबल फोल्ड में जो अस्तर की चौड़ाई है वो है 9 इंच, और इसकी जो लंबाई है वो है 13 इंच, और 6 इंच का इसका शोल्डर है, और 3 इंच है इसकी गले गहराई, और 9.5 इंच का इसका पीछे वाला गला है, और 5.5 इंच का इसका आर्म होल है। तो जो भी आपका मेजरमेंट हो आप उस हिसाब से मार्किंग कर लीजिए। तो अब हम मेन कपड़े को हटा देंगे, और जो भी हमारा डिजाइन है पहले हम अस्तर पे बनाएंगे। तो आर्म होल वाले साइड से हम 3-3 इंच पर मार्किंग करते जाएंगे। तो इस तरह से देखिए, आपको पूरे में ऐसे मार्किंग कर लेना है। फिर इसको हम शेप देते हुए जो ये हमारे सारे निशान हैं इसको हम मिला देंगे। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान से देखना है कि किस तरह से जो है मैं नेक का शेप दे रही हूँ, आपको वैसे ही शेप दे के बनाना है। तो देखिए, मार्किंग के बाद अब हम कुछ इस तरह से मैं नेक में शेप दे रही हूँ। तो अगर आपकी साइज कम हो तो आप इतना ज़्यादा गहराई मत रखिए। तो देखिए, ऐसे शेप देते हुए आपको मिला देना है। तो चौक को आपको दबा के लगाना है। तो देखिए, मैंने नेक का डिज़ाइन बना लिया है। अब इसको हम मेन कपड़े पर रख के बीच में एक दो जगह से चिपका देंगे, और जैसे जैसे हमने चौक से मार्किंग किया है वैसे वैसे हम सिलाई डाल लेंगे इस पर। तो ये हमने सिलाई डाल लिया है गले में। अब हम नीचे भी एक सिलाई डाल लेंगे। तो अगर आपको यहाँ पे पट्टी लगाना हो तो आप पट्टी लगा लीजिए। उसके बाद सिलाई से बाहर आधा आधा इंच कपड़ा छोड़ के जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसकी कटिंग कर देंगे, और इसमें हम छोटे छोटे ऐसे कट्स लगा देंगे। उसके बाद फिटिंग वाले साइड से ऐसे हम दूसरे फिटिंग वाले साइड हाथ ले जाएंगे, और जो उसका मेन कपड़ा है उसको पकड़ के हम ऐसे जो ये हमारा डिजाइन है इसको हम सीधा कर लेंगे। तो ये हमने सीधा कर लिया है। अब इसको फिनिशिंग देने के लिए इस पर हम फिनिशिंग की सिलाई एक डाल लेंगे नेक में। इससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो फिनिशिंग की सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे पे आपको आराम से लगा लेना है। उसके बाद आप हल्का सा आयरन करेंगे तो ये जो हमारा डिज़ाइन है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें हम लेस लगाएंगे। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि मैं किस तरह से इसमें लेस लगा रही हूँ। तो बस आप लोग वीडियो को यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो देखिए, नीचे आपको थोड़ा सा जो है लेस, अगर आपका लेस उखड़ने वाला हो तो आप वहाँ पे मोड़ दीजिए, या फिर आप हल्का हल्का माचिस से उसको सेक लीजिए। तो देखिए, एक लेयर और हम लेस को लगाएंगे साइड से। तो जो एक्स्ट्रा है कपड़ा उसको हम काट के हटा देंगे। तो ये देखिए, मेरा एक साइड मैंने आपको लगा के दिखा दिया, ऐसे ही आपको दूसरे साइड भी लगा लेना है। उसके बाद हम आर्म होल वाले साइड से कुछ इस तरह से लेस को लगाएंगे हम नेक में। तो देखिए, जो ये मेरा जो लेस का किनारी था उसको मैंने माचिस से हल्का हल्का सेक लिया है। अब हम इसमें आर्म होल वाले साइड से दूसरे आर्म होल वाले साइड में ऐसे शेप देते हुए लेस को लगा लेंगे। तो देखिए, ये मैंने लेस को लगा दिया और कितना अच्छा फिनिशिंग आया। उसके बाद उसके जो हमने लेस लगाया उसके नीचे 1-1 इंच पे ऐसे मार्किंग कर देना है। जिस तरह से लेस लगाया उसी शेप में आपको मार्किंग करना है। उसके बाद एक हम कपड़ा लेंगे जिसकी लंबाई 2 इंच होगी, चौड़ाई भी 2 इंच होगी। उसके बाद उसके किसी भी एक कॉर्नर से ऐसे हमको हाथ से रोल करते हुए आना है, और पूरे कपड़े में रोल नहीं करना, बस आधे में करना है। उसके बाद सारा कपड़ा को ऐसे इकट्ठा करके और उस पर एक हम कच्ची सिलाई डाल लेंगे, और इस ताकि ये जो भी हम नेक में यूज़ करें तो बहुत ईजिली ये हम लगा सके। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको हम काट देंगे। तो एक मैंने आपको बना के दिखा दिया है, आपको ऐसे ही ज़रूरत के हिसाब से अपने बना लेना है। तो देखिए, मैंने इतना बना लिया है। अब जो हमने चौक से मार्किंग किया है उसी पे बिल्कुल इसको रख के लगाते जाना है। तो इसको लगाते टाइम आपको ध्यान देना है कि इसका जो बाहर वाला हिस्सा है उसको आगे पीछे नहीं करना है। आगे वाला आप कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा तो हम काट के हटा देंगे। इसका जो बाहर वाला हिस्सा है, देखिए मैं बिल्कुल बराबर बराबर रख रही हूँ। तो यही छोटी छोटी चीज़ आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, और जो हमारा डिज़ाइन होता है उसमें फिनिशिंग नहीं आती है। तो देखिए, इसका जो बाहरी वाला हिस्सा है बिल्कुल मैं उसको मिलाते हुए लगा रही हूँ। तो जैसे पूरे हमने चौक से जहाँ तक मार्किंग किया वहाँ तक ऐसे लगा देंगे। तो देखिए, पीछे वाले साइड मैंने बिल्कुल बराबर लगाया है, आगे का जो एक्स्ट्रा था उसको हम काट के हटा देंगे, और उसके बाद इसको फिनिशिंग देने के लिए इस पर हम लेस लगाएंगे। तो आप चाहें तो चौड़ी लेस भी लगा सकते हैं या फिर पतली लेस भी लगा सकते हैं। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे मैं लेस पे यहाँ एक ही सिलाई डाल के आपको दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाती है। तो आपको जो लेस में है डबल सिलाई लगा लेना है, और बिल्कुल आराम से और फिनिशिंग के साथ सिलाई करना है। तो ये हमारा नेक डिज़ाइन रेडी है, और इसमें मैंने ये हैंडमेड लटकन लगा दिया है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये डिज़ाइन कैसा लगाएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।